शनिवार देर रात हुई तेज बारिश की वजह से दुल्हादेव मंदिर के बगल से निकली खूडन नदी में उफान आ गया। जलस्तर बढ़ने से पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से करीब 10 गांवों को जोड़ने वाला बैनीगंज मार्ग बंद हो गया और दोनों तरफ लोग फंस गए। नदी में आए अचानक उफान से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने के कारण वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। इतना ही नहीं, पानी के भराव के कारण आसपास गांव के घरों तक में पानी जा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनके घर में रखा सामान व अनाज भी भीग चुका है। बारिश के कारण लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की मुसीबत से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान है। नाम सौरव अवस्थी है और मैं बैनीगंज का रहने वाला हूँ। आप जो ये नदी देख रहे हैं जो उफान पर है, और इस मौसम में ये पहली बार इतनी तेज उफान पर आई है कि जो बैनीगंज के या खजुराहो के लोग एक दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं आते हैं तो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। पूरी तरह से उनका आवागमन बंद है। मैं भी एक नौकरी करता हूँ, मेरा भी काम आज ठप है। तो ये इस मौसम में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है। खजुराहो से बैनीगंज आया है और रोड ये पूरा जाम हो चुका है। रोड यहाँ से न गड़े यात्री वहाँ पे जा रहे हैं न यहाँ पे आ रहे हैं खजुराहो से। ये इस मौसम में पहली बार पुल के ऊपर जा रही है कई बार जाती है? अरे ये पहली बार जा रही है। बहुत तेज बारिश हुई है इस बार, जोरदार बारिश हुई है और यहाँ से न जा पा रहा है कोई, न आ पा रहा है कोई। घरों के अंदर भरे पानी को निकालते हुए लोगों को तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। लोग किस तरीके से पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मगर पानी का तेज बहाव होने से पानी फिर से घरों तक पहुंच रहा है। और यहाँ हमारे जब हम उठे सुबह 4 बजे तो मैंने देखा पूरा हमारे घर में पानी भरा था और फिर पानी निकाला, गेहूँ वगैरह सब भीग गया और ये दशा है कि पूरा पीछे से पानी आता। जो पानी खजुराहो में लगातार हो रही बारिश से मंदिर परिसर में पानी भर चुका है, जिसके कारण मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। ऐसे में देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस मौसम में खजुराहो के अद्भुत मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। छतरपुर से सुशील सिवारी की रिपोर्ट।